भारत सम्राट और विविध संस्कृति से भरा देश है और पूरे देश में कई छिपे हुए रत्न हैं। इस नए वेब सीरीज एक्सप्लोर इंडिया में हम देश के कई छिपे हुए रत्नों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप इस शानदार और विविध राष्ट्र के समृद्ध विरासत और सुंदर लैंडस्केप का आनंद लेंगे। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है और इसे महाराष्ट्र का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह भारत के कुछ सदाबहार स्थानों में से एक है जिसके जंगल साल भर हरे भरे रहते हैं और इसी वजह से यहाँ कई पर्यटक आते हैं। इस एपिसोड में हम महाबलेश्वर के उन कुछ स्थानों पर एक नज़र डालेंगे जहाँ आप जा सकते हैं। केट्स पॉइंट। केट्स पॉइंट एक प्रसिद्ध बिंदु है जिसका नाम तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम की बेटी के नाम पर रखा गया है। यह पॉइंट प्रकृति का एक और चमत्कार है। यह पॉइंट 1290 मीटर की ऊंचाई पर है और पॉइंट की दूरी महाबलेश्वर के मुख्य बाजार से 6.8 किलोमीटर दूर है। थ्री मंकी हिल। हमारा अगला स्थान थ्री मंकी हिल है। महात्मा गांधी के थ्री मंकी थीम के साथ पहचाने जाने वाले यह चट्टान पर स्वाभाविक रूप से गाड़ी गई चावी काफी सम्मान है, इसलिए इस देखने के स्थान को मंकी पॉइंट नाम दिया गया है, क्योंकि ये बंदरों के गांधी के प्रतीकात्मक अंकाड़ों से मिलते जुलते हैं। महाबलेश्वर टेंपल अपनी शानदार वास्तुकला और विस्मयकारी महिमा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। महाबलेश्वर मंदिर वह पूजा स्थल है जो गौरवशाली मराठा विरासत का एक उदाहरण है। इस मंदिर में भक्तों की भारी आमद होती है जो साल भर यहाँ पूजा अर्चना कराने आते हैं। यह मंदिर का मुख्य आकर्षण 6 फीट लंबा शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव के पाषाण अवतार को दर्शाया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को यह जगह शांतिपूर्ण लगती है और वे मंदिर के परिसर में कुछ समय ध्यान में बिताना पसंद करते हैं। पंचगंगा टेंपल। पंचगंगा मंदिर पुराने महाबलेश्वर में महाबलेश्वर मंदिर के पास स्थित एक पवित्र स्थल है। पंचगंगा मंदिर का निर्माण 5 नदियों कृष्णा, वीणा, सावित्री, कोयना और गायत्री के संगम पर किया गया है। इस मंदिर में एक गाय की मूर्ति के मुख से सभी नदियां निकलती है, इसलिए इस स्थान को पंचगंगा मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और उनकी एक सुंदर मूर्ति भी है। अतिबलेश्वर मंदिर। अतिबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह कृष्णा मंदिर के रास्ते में महाबलेश्वर मंदिर के पास है। यह वर्तमान मंदिर 400 वर्ष से अधिक पुराना है और कोई जुड़ा हुआ शिवालय कह सकता है महाबलेश्वर और अतिबलेश्वर। इस विशेष मंदिर की वास्तुकला महाबलेश्वर के मुख्य मंदिरों से कई कम नहीं है। यह भगवान शिव की रुद्र पूजा के रूप में महाबलेश्वर मंदिर के साथ निर्मित इस मंदिर का उपयोग यहाँ प्रदर्शन कराने के लिए किया जाता है और मुख्य मंदिर में अभिषेक और सात्विक पूजा की जाती है। यह मंदिर महाबलेश्वर की सभी मंदिरों में सबसे प्राचीन और सबसे पुराना मंदिर है। कृष्णा टेंपल। कृष्णाबाई मंदिर पांच गंगा मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित एक पुराना मंदिर है। यह मंदिर को कृष्णा नदी का स्रोत माना जाता है, जिसे 1888 में रत्नागिरी की एक शासक द्वारा कृष्णा घाटी की और एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। इस मंदिर में शिवलिंगम और भगवान कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति है। यह मंदिर एक पुरातात्विक रुचि भी है। एक ऐतिहासिक कंदहर जो संस्कृति, आध्यात्मिक उत्कृष्टता, क्लासिक नकाशी, अद्वितीय कला और विज्ञान और कई और चीजें को एक ही स्थान पर रखता है। हंटिंग पॉइंट। ऐसे कई बिंदु हैं जो चमकदार घाटियों और गहरे जंगलों और राजसी चोटियों को नजरअंदाज कराते हैं। हंटर पॉइंट ऐसे आकर्षणों में से एक है जो मुख्य शहर की सीमाओं के भीतर स्थित है।
आर्थर सीट पॉइंट। आर्थर सीट पॉइंट महाबलेश्वर में सबसे लोकप्रिय दृश्य है और महाबलेश्वर में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। आर्थर सीट पॉइंट 1340 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है और एक तरफ गहरे सावित्री कंद और दूसरी तरफ हरे भरे पत्थर से गिरा हुआ है। यह लोकप्रिय रूप से क्वीन ऑफ द पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। आर्थर सीट पॉइंट का नाम सर आर्थर मैले के नाम पर रखा गया है, जो इस बिंदु पर घर बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। आर्थर सीट ही एकमात्र ऐसा बिंदु है जो कोंकण और दक्कन क्षेत्रों के बीच भूवैज्ञानिक अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आर्थर सीट पॉइंट क्षेत्र में कुल 6 अंक है। आर्थर की सीट पॉइंट, एको पॉइंट, हंटर पॉइंट, टाइगर स्प्रिंट पॉइंट, विंडो पॉइंट और मेलकम पॉइंट। बाइन और बंजार गहारी सावित्री घाटी और दाहिनी और हरी भरी जोर घाटी इस आसान का मनोरम दृश्य प्रस्तुत कराती है। सावित्री पॉइंट। सावित्री पॉइंट एल्फिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच में स्थित है। यह स्थान सुंदर सावित्री नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। सावित्री पॉइंट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां से आंगट को सावित्री नदी और उसकी घाटी का निर्बाध दृश्य देख सकते हैं। यह बिंदु अपने आप में घने वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जो फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। अपनी शानदार सुंदरता के कारण इस बिंदु पर साल भर पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। मर्जोरी पॉइंट। मर्जोरी पॉइंट एक दर्शनीय स्थल है, जो पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत शरणकाला और सुंदर कोंकण घाटी का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। इसलिए आकर्षण प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफों और ट्रैकर्स के लिए एक इलाज है, जो घने जंगलों के माध्यम से चलने वाले रोमांचकारी ट्रेल्स के माध्यम से बिंदु तक ट्रैक कर सकते हैं। एल्फिंस्टन पॉइंट। एल्फिंस्टन पॉइंट महाबलेश्वर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जहां से दो घाटियां दिखाई देती है, जहां बाई ओर कोयना और दाई ओर सावित्री नदियां है। यह ऊंची चट्टानों से प्रतापगढ़ किला, कोयना घाटी और आसपास के मैदानों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। कोई भी कर्ण के प्रशंसा कर सकता है, जो एल्फिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच स्थित है। एल्फिंस्टन पॉइंट महाबलेश्वर में आर्थर सीट पॉइंट के पास एक पहाड़ी के ऊपर स्थित प्रसिद्ध नज़ारों में से एक है। आपके लिए हमारा सीक्रेट टिप यह है कि कृष्णा मंदिर जाना और वहां से घाटी के शानदार दृश्य का आनंद लेना है। महाबलेश्वर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और कई लोग साल में एक या दो बार इसे देखने आते हैं, लेकिन महाबलेश्वर की प्रत्येक यात्रा के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि हर यात्रा में आपको एक अनूठा अनुभव मिलता है।